हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? पहले तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, धरती पे ना एक दो जीव जंतु पैदा हो रखे हैं, तो मैं पहले आपको जीव जंतु दिखा दूं कैसे किस तरह के होते हैं जीव जंतु। तो ये है वो जीव जंतु, ठीक है। इनका ना सबसे पहले तो बड़ी मतलब मेरी बदकिस्मती लगा ले या इसकी लगा ले कि मैंने इसको अपना इंटरव्यू दिया। स्टार्टिंग में आया था, मैंने सोचा था कि भाई चलो बच्चों को ये मतलब प्रोत्साहित कर रहा है, बच्चे आगे आएंगे, बच्चों के बारे में मतलब बच्चों को सोशल मीडिया के थ्रू लोग जानेंगे, प्लेयरों को समझ। तो मैं उसी टाइम गया था जब ये उनसे उनकी डाइट टाइम टू टाइम पूछ रहा था कि ये नॉलेज इकट्ठा कर रहा है। ये मतलब मैं आपको बता दूं, ये लापरवाही के नतीजे हैं ये जो आजकल ये पैदा हो रहे हैं। कभी ये वीडियो डालता है व्याग्रा खाने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, व्याग्रा खाने से ये होता है। अबे मूर्ख, तुझे ये पता है अगर किसी बच्चे ने तेरी वीडियो देख के अगर ये खा ली और ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट हो गया, उसकी मौत तक हो सकती है, ना पता तो तुझे उसका कौन जिम्मेवार होगा? और गलती तेरी नहीं है, जो तूने ये वगैरह वगैरह की वीडियो डाली है ना, गलती तेरी नहीं है। जो जिन गोलियों खाने से पैदा हुआ होता है ना, यही खा के तू पैदा हुआ था, इसलिए तूने ये वीडियो डाल दी। कुछ शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? क्यों बच्चों को मिसगाइड कर रहा है? दारू पियो, ये करो वो करो, और क्या ऐड डाल रहा था तू? प्री वर्कआउट पी के कोंडम की? जो इंसान एक कोंडम की ऐड करके मतलब एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता, वो औरत को भी वीडियो में लेके आ सकता है, वो किसी दूसरी औरत की क्या इज्जत करेगा भाई? तू हो गया पागल, 4 साल में ले लेके माल तेरा गया, दिमाग सूख, ठीक। और जो ये तू ये जीभ वाली ऐसे ऐसे वीडियो डालता है ना, वो तो मुझे भी पता है, 4 साल माल ले लेके वहां से तो तुझे कुछ होने वाला है नहीं, तेरे से अब जीभ से ही काम चलेगा, ठीक है ना। दूसरा, एक मैं इनको बोलता हूँ भाई, ये जो प्री वर्कआउट दे रहे थे, पता नहीं वो कौन सी कंपनी थी, डीसी का, जिसको ये पी केयर कोंडम उठा के चलता है, भाई ऐसा क्या डाल दिया तुम लोगों ने इस प्री वर्कआउट में यार, थोड़ा हमें भी बता दो, अब कितनी पावर आ जाती है वो प्री वर्कआउट पीने से, क्या है ऐसा उस प्री वर्कआउट में? हाँ बोल, क्या कह रहा था तुम कि 20-20 साल से चिकन अंडे खा रहे हैं, आज तक कोई ओलंपिया नहीं गया? उस क्या 200 ग्राम चिकन ना, हाँ 200 ग्राम चिकन, उस 200 ग्राम चिकन खाने से ना 7 बार नेशनल में मेडल दिए हैं, 3 बार वर्ल्ड में, और एशिया और पता नहीं क्लासिक कंपटीशन तो कितने खेल रहे हैं। 4 साल में डिस्ट्रिक्ट खेला कभी? साले तेरा पेट देखते ही उल्टी पड़ जाती है। खेला गया कभी? बकचोदी मारता रहता सारी जिंदगी, फॉलोवर चाहिए तुझे, टीआरपी चाहिए, ओ अस्थमा के पेशेंट क्या चाहिए तुझे बता। और क्या कह रहा था, मैं गरीब हूं, ये 4,000 का सेंडो, ये 15,000 के जुते। साले 15,000 रुपए के जुते 2009 में पहन के छोड़ दिए, जब तुझे ये नहीं पता था पजामे का नाड़ा आगे बनता है या पीछे बनता है, समझा? बनाई है वीडियो मेरी, बना 250 ग्राम चिकन पे वीडियो, मैं 250 ग्राम चिकन खाके तेरी आज भी फाड़ सकता हूं,
साले को सांस पूरा लेना आता नहीं, पता नहीं कौन सा साला गंदा दिन था वो जिस दिन मैंने तुझे इंटरव्यू दिया। अरे कि ये पकड़ रखे हैं झिंगे ट्रेनर, सही है सही है यही है, इनको साला आज तक यही नहीं पता कि ये पैदा भी सही हुए कि नहीं हुए। ओ चटरू गिल, जीप की वीडियो बनाता है ना जीप की, तो आज से तेरा नाम ही चटरू गिल, चट्टू। ठीक, बना तू वीडियो, मैं बताता हूं तुझे कैसे बनती है वीडियो। और ये बच्चों को ना मिसगाइड करना बंद कर दे, मेरे लिए जो बोलना है बोल। मैंने आज तक भी जो भी कदम उठाया ना बच्चों के फेवर के लिए उठाया, ना मैंने किसी को गलत गाइड करा ना मैं करूंगा, कोई मेरी माने या ना माने, कोई मेरे पास आए या ना आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट किसी बच्चे को मिसगाइड मत कर, मैं तेरे को बार बार बोल रहा हूं। पता कौन हो तुम, कौन सी पैदाइश हो पता? वो आती थी ना चित्रा रंगोली संडे को, उस टाइम पे मनोरंजन के नतीजे हो तुम लोग, टाइम पास। कोई अच्छे से गाने में पैदा हो गए तुम? ये पकड़ रखे झिंगे ट्रेनर जिनको यही नहीं पता साला आज तक ऐब है क्या होता है, मूवमेंट क्या होती है, ये बनाएंगे बॉडी, ये बताएंगे हमें। 1 करोड़ रुपये औकात है तेरी, है औकात तेरी 1 करोड़ रुपए की? साला बच्चों के उसमें सारे पैसे खा गए तुम, उसमें ये जो इवेंट शुरू किया था, क्या औकात है तेरी? बोलना आता है तुझे? साले बोलते टाइम तो 1 किलो थूक बाहर फेंक देता है तू, अस्थमा के पेशेंट। प्यार से समझा रहा हूं, समझ जा, मेरी तेरे से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बच्चों को मिसगाइड मत कर, पता नहीं किसके बच्चे का क्या नुकसान हो जाएगा, समझ रहा है ना मेरी बात? और तेरे में अगर हिम्मत है ना तू बना वीडियो, ये तो अभी एक सैंपल था जो मैंने तेरे को दिखाया। तेरे से अगर जीव जीव का ना इस्तेमाल करा दिया ना तो मेरा नाम बदलना तू साला, जब देखो जब, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आया कोई मेडल आज तक? मैं ये जीतूंगा, मैं वो जीतूंगा, मैं फलाना जीतूंगा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। प्यार से समझा रहा हूं, समझ जा। ठीक, क्या कर लिया तूने, क्या हासिल कर लिया मुझे एक बार ये तो बता दे कि मैंने ये हासिल कर लिया। तुम्हें कुछ घर से संस्कार मिले हैं कि नहीं मिले हैं, या ऐसे ही पैदा हो गए थे तुम? थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है यार तेरे में? रोलेक्स की 2 लाख की घड़ी, फलाना ये ढिकड़ा, ये डालते हैं वो डालते हैं, पहन ले भाई, तेरा ब्यों तो का पहन ले। जब कहाँ थी तेरी औकात जब तू आया था यहां इस लाइन में घुसा था, जब लोगों के घर घर जाके इंटरव्यू कर रहा था, जब कहाँ थी तेरी औकात? आज तू औकात वाला बन रहा, और ना फॉलोवर चाहिए भाई, ना टीआरपी चाहिए मुझे अपनी, लेकिन मैं सारे प्लेयरों को बोलता हूं साले गंदे इंसान का बायकॉट करो, बच्चों को मिसगाइड कर रहा है ये, मत दो इसका साले को इंटरव्यू, क्या है इंटरव्यू इसके? जो अपनी औरत की इज्जत नहीं कर सकता वो साला दूसरे ही क्या करेगा, मर्द है ये साला। और गलती इसकी नहीं है ये व्याग्रा की टैबलेट, गलती इसकी नहीं है, इसको बेचारे को खानी पड़ती है, जरूरत पड़ती है इसको, बाकी तो हो लिया, दिमाग भी सूख लिया और चीजें भी सूख ली, समझ रहे हो ना? तो मेरी सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, जितने भी ये प्लेयर हैं, एथलीट जितने भी हैं, इसका साले का बायकॉट करो, और सुन रहे प्यार से बोलो चटरू गिल, तू बना वीडियो, मेरा नाम लेके बना तू, मैं बनाता हूं तुझे, बना वीडियो। तो एक बार फिर मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आप लोगों से, इसका बायकॉट करें, और चटरू गिल हैप्पी दिवाली।